केजीएफ कलाकारों की डबिंग हुई पूरी? क्या फिल्म की डबिंग का काम हो चुका है पूरा? कहां बिखेरे अपने जलवे एक्ट्रेस रवीना टंडन ने? कैसे शुक्रिया अदा किया अपने कलाकारों का डायरेक्टर ने? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अपनी आदतों और एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बनाने वाली शहर की लड़की रवीना टंडन जल्द ही केजीएफ चैप्टर 2 में भारत की प्रधानमंत्री रामिका सेन के किरदार में दिखने वाली है। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अपने हिस्से की डबिंग पूरी कर ली है और फिल्म में अपने शानदार एक्सपीरियंस के लिए साउथ स्टार यश सहित टीम का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर नील ने अपने ट्विटर पर टंडन के साथ एक तस्वीर शेयर की जो पीरियड एक्शन ड्रामा में एक फिक्शनल प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। क्रूरता की गाथा, सबसे अच्छी प्रधानमंत्री # रमिका सेन के साथ डबिंग पूरी, धन्यवाद मैडम, फिल्म निर्माता ने लिखा। 49 वर्षीय एक्ट्रेस ने भी तस्वीर शेयर की और लिखा, आप सभी के साथ काम कर काफी खुशी मिली, आप सभी कितने अच्छे सज्जन हैं, गॉड ब्लेस। और साथ ही उन्होंने यश, प्रशांत नील और हम्बल फिल्म्स को भी अपने पोस्ट पर टैग किया। यूं तो रवीना आज भी उतनी ही खूबसूरत ही है जितना वो 90s के दौरान लगती थी, लेकिन जब भी बात आती है उनके गाने टिप टिप बरसा पानी की तो एक्ट्रेस की वो पीली साड़ी और बारिश का मौसम याद आ जाता है। लेकिन चलिए वापस लौट जाते हैं केजीएफ 2 से जुड़ी खबरों पर। तो जहां रवीना ने अपनी डबिंग पूरी कर ली, वहीं 4 फरवरी को केजीएफ चैप्टर 2 की लेडी श्रीनिधि शेट्टी भी अपने फैंस के लिए एक थ्रिलिंग अपडेट लेके आई थी। अपने डबिंग सेशन की ग्लिम्पसेस शेयर करते हुए श्रीनिधि ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की कि उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए डबिंग पूरी कर ली है और ये भी कहा कि वो 14 अप्रैल को सिनेमा हॉल में फैंस से मिलने आएंगी जैसा कि वादा किया गया था। श्रीनिधि ने अपने ट्विटर में लिखा था, इस फिल्म के लिए सब कुछ और ढेर सारा प्यार, 14 अप्रैल 2022 को आप सबसे मिलेंगे। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ इस तस्वीर में श्रीनिधि काफी क्यूट और कॉन्फिडेंस नजर आई। पूर्व मिस सुपर नेशन केजीएफ चैप्टर 2 में रीना देसाई का किरदार निभाते नजर आएंगी। वहीं नायक नहीं केजीएफ के खलनायक बने बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त, जिन्हें 2020 में लंग कैंसर का पता चला था। उन्होंने दिसंबर 2021 में ही केजीएफ अध्याय 2 में शक्तिशाली अधीरा के कैरेक्टर की डबिंग पूरी कर ली थी। संजय दत्त ने एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा, अधीरा वापस एक्शन में आ गया है, वापस आकर अधीरा क्या कमाल दिखाएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। निर्देशक प्रशांत नील ने भी अधीरा की भूमिका को अपनी आवाज देने के लिए संजय दत्त को धन्यवाद दिया है, जिसने फिल्म प्रेमियों के बीच एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। मुख्य भूमिकाओं में यश और श्रीनिधि शेट्टी के अलावा फिल्म में रवीना टंडन, अनंत नाग, नागभरण, प्रकाश राज, मालविका अविनाश, अतियुक्त कुमार, अर्चना जोशी और कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल होगा जो 2018 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। तकनीकी टीम जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में रवि बसरूर और सिनेमेटोग्राफर के रूप में भुवन गोंडा शामिल थे, जो सीक्वल में भी होंगे। मल्टीलिंगुअल फिल्म 14 अप्रैल को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज की जाएगी। वहीं क्या रॉकी भाई को दोबारा देखने के लिए आप सब एक्साइटेड हैं? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।